अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो ये है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का बी ए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2016 उर्दू लिटरेचर का पेपर सेकंड। इसके अंदर पार्ट ए जो है हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था, तो आज हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। तो पार्ट बी के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, उर्दू ज़बान की तश्कील में अरबी फ़ारसी ज़बान का क्या रोल है? तो इसका जवाब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके वीडियो के अंदर मैं सभी जवाब को पूरा आपको रीड करके नहीं बताऊंगी। आप उन जवाब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने खुद के नोट्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फुल नोट्स अवेलेबल करवा रही हूँ। और अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी वीडियो चाहिए उर्दू लिटरेचर सब्जेक्ट से रिलेटेड, और कोई भी सवाल आपका हो जो आपको मुझसे चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, तो हम ज़रूर आपको उसका जवाब बताएंगे। तो कोई भी सवाल अगर उर्दू लिटरेचर से रिलेटेड आपको हम मुझसे पूछना है या उसके लिए कोई नई वीडियो चाहिए, तो आप बेशक मुझे कमेंट्स में बताइए, तो उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उर्दू ज़बान की तश्कील में अरबी और फारसी ज़बान का क्या रोल है? तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको पूरा पढ़कर इसके शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए और पॉइंट वाइज आप आंसर लिखिए। पॉइंट वाइज लिखने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अच्छा, तो इसके अंदर हमारा दूसरा सवाल जो है, सवाल नंबर एक का जो जवाब था उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब सवाल नंबर दो के अंदर ही एक मिस प्रिंट क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है कि बहुत से स्टूडेंट्स इसकी वजह से कंफ्यूज होंगे। तो ये जो सवाल है सेकंड के अंदर, जो और मैं करके दे रखा है क्योंकि इसमें दोनों में से कोई एक करना होता है, तो इसका सेकेंड नंबर जो है, नंबर टू क्वेश्चन का, ये जो नंबर टू क्वेश्चन है इसके अंदर ये वाला जो है, इसका जो आंसर है वो आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। पहले मैं आपको सवाल बता देती हूँ। उर्दू में सिर्फ हाइको के तारीखी और अर्तकाई सफ़र पर मुख्तसर ख्याल कीजिए, तो ये सवाल है। तो इसका जो जवाब है, हाइको ये जो एक सिंफ होती है, ये नज़म से रिलेटेड होती है, तो इसका जो जवाब है आप ये लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, दक्कन में उर्दू नसर के फ़रोग का तफसीली महकमा पेश कीजिए। तो दक्कन में उर्दू नसर, तो उर्दू नसर और नज़म दोनों का जवाब मैं आपको यहाँ बताऊँगी, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। लखनऊ में उर्दू मर्सिया के अहद ब अहद तर अर्थ का जायज़ा लीजिए। तो लखनऊ में भी उर्दू मर्सिया के बारे में बताना है, तो आप इसके मैं सवाल नंबर तीन पढ़ रही थी उसमें और में है, दोनों में से कोई एक करना है। तो लखनऊ में उर्दू मर्सिया के अहद ब अहद अर्थ का, तो उर्दू मर्सिया के बारे में बताना है लखनऊ में, तो उसके अंदर आप ये जवाब लिख सकते हैं। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो हमारा अगला सवाल है नंबर फोर, जदीद उर्दू नज़म के अहम रुझान, तो इसके अंदर आप ये वाला जवाब लिख सकते हो। आप इसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। अगला सवाल है, उर्दू नसर के फरोग में खतूत गालिब की अहमियत पर रोशनी डालिए। तो ये चीज़ तो हम फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं, सवाल नंबर फोर का ही और में जो दिया हुआ है या में, दोनों में से कोई एक करना है, तो उसके अंदर जो खतूत गालिब की अहमियत है वो हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी इसका आंसर आप देख लीजिए, इसके दो आंसर्स मैंने यहाँ पर ऐड किए, तो फर्स्ट आंसर आप ये लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये एक जवाब आप ये भी लिख सकते हो, इसमें मैंने दो जवाब ऐड किए हैं, दोनों ही खालिद गाइड के हैं, एक फर्स्ट ईयर का एक सेकेंड ईयर गाइड का। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है फिफ्थ नंबर, उर्दू में अफसाना और मुख्तसर अफसाना के फ़र्क और रिवायत और अर्थकाई सफ़र पर इजारे ख्याल कीजिए। तो इसके ऊपर एक छोटा सा सिंपल आंसर मैंने निकाला है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक जो है मुख्तसर अफसाना या अफसानचा या मिनी कहानी, उसके अंदर आप ये आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है, शेर पहले दरवेश की के किस्से का खुलासा तहरीर कीजिए। शेर पहले दरवेश की, शेर पहले दरवेश की ये वाला खुलासा जो है वो फर्स्ट ईयर में भी है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। फिर भी अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि शेर पहले दरवेश के किस्से का खुलासा का वीडियो भी मुझे डालना चाहिए। वैसे तो इसके नोट्स जो है वो हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, या बुक से भी लेसन को पूरा पढ़ के उसका खुलासा आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको शेर पहले दरवेश के किस्से का खुलासा की जो PDF या उसका जो नोट्स जो आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट जो सवाल है, सवाल नंबर 6, तरक्की पसंद अदबी तहरीक और अलीगढ़ तहरीक का तकाबली मुतालिया पेश कीजिए। तो इसके अंदर तरक्की पसंद तहरीक और अलीगढ़ दोनों के मुकाबला या तकाबली मुतालिया पेश करना है, तो आप दोनों को अच्छे से पढ़ के अपने शॉर्ट नोट्स खुद तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तरक्की पसंद तहरीक और अलीगढ़ तहरीक दोनों के नोट्स डाल रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तकाबली मुतालिया का मतलब होता है तुलनात्मक अध्ययन, तो तुलनात्मक अध्ययन करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेगी। उसके बाद ये मैंने अलीगढ़ तहरीक का भी डाल दिया है। आपको फुल नोट्स तो अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में जब कोई क्वेश्चंस घुमा फिरा कर पूछा जाता है, तो अगर आप ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से कर लेते हो, तो अगर आपने दोनों को अच्छे से पढ़ रखा है, अच्छे से उनको लर्न कर रखा है, आपको याद है, तो आप दोनों को मुकाबला का जो आंसर है वो आप खुद अपने तहरीर कर सकते हैं, उसी वक्त ऑन द स्पॉट भी ये कर सकते हैं आप। लेकिन उसके लिए दोनों ही टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए और अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लास्ट हमारा सवाल, इम्तियाज़ अली ताज की ड्रामा निगारी की इम्तियाज़ी खसूसियात तहरीर कीजिए। तो आप इसके अंदर ये आंसर लिख सकते हैं। और इम्तियाज़ अली ताज के बारे में एक और आंसर भी है, जो कि तारीख के अदब उर्दू नूरुल हुसैन नकवी बुक से मैंने लिया है, तो वो ये नीचे आंसर है, तो इसके आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। पार्ट सी की वीडियो भी इसी वीडियो के जस्ट बाद में अपलोड हो जाएगी।